हबीबी, इन बड़ी बड़ी मूछों वाले भाई साहब को देखते ही आप समझ जाएं कि आप आ चुके हैं सुल्तान अल अरब रेस्टोरेंट में, जहां मिलता है दुबई का सबसे वायरल शवरमा। 20 दरम में हमें इतना बड़ा शवरमा सर्व किया गया जिसे 2 लोग आराम से खा सकते हैं। मेरा मतलब 2 नॉर्मल लोग। साथ में हमने ट्राई की ये ब्रेड जिसमें थी पालक की स्टफिंग, इसे कहते हैं फताहर। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एक बार ये शौरमा जरूर ट्राई करना। एक चीज और ट्राई कर सकते हो, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दो। हबीबी, संजू बाबा की मूवीज तो हम सबने देखी हैं, लेकिन दुबई के नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट में मिलता है चिकन संजू बाबा, और जहां बाबा का नाम आ जाए वो चीज अपने आप ताबड़तोड़ हो जाती है। मुंबई का ये रेस्टोरेंट जिसकी शुरुआत सालों पहले अब्दुल करीम साहब ने की थी, आज दुबई में भी धूम मचा रहा है। यहां मिलता है ये उंगलियां चाट लेने वाला दाल गोश्त, ये इतना लजीज है कि मैं इसे रोज खा सकता हूँ। और भाई ये चिकन संजू बाबा है एकदम रब चिक, बोले तो 50 तोला रे मामू। हबीबी, दुबई में यहाँ मिलता है आम लोगों का खास खाना। रेस्टोरेंट की दीवारों पे इतने सारे मीम्स थे कि मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कोई रेस्टोरेंट है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। खैर, अपने को तो खाने पर कंसंट्रेट करना था, इसलिए हमने ऑर्डर किया पाया, जिसको खाकर बहुत मजा आया। साथ में हमें मिला ये मिंट सोडा जो दुबई की गर्मी में दे रहा था ठंडी का एहसास। इस रेस्टोरेंट को विजिट करके मोगैम्बो सच में खुश हुआ। आप भी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। हबीबी, दुबई आए और मंदी नहीं खाई तो फिर क्या किया? इस बात का पालन करते हुए हमने भी ये मंदी ऑर्डर कर ही डाली। क्या लाजवाब सॉफ्ट मुलायम गोश्त है इस मटन का, जो मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसके जायके आहा वाह क्या कहने। इसके साथ हमें टमाटर और धनिया की चटनी मिली, साथ खजूर और मिर्च का अचार भी मिला। भाई साहब लाजवाब जायका है इस मटन मंदी का, वाह। एक बार आप भी जरूर जमजम रेस्टोरेंट पर मंदी जरूर ट्राई करें। एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, वो है नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दो। हबीबी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, नवाबों के शहर लखनऊ के जायके का लुफ्त उठाने आज मैं आ गया हूँ दुबई के लखनवी रसोई रेस्टोरेंट। यहाँ हमने ऑर्डर किया कबाब पराठा, लखनवी नहारी और अवधी बिरयानी। लखनवी खाने की बात हो और इंसान तबीयत से ना खाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? ओवरऑल खाना अच्छा था और अब बारी थी कुछ मीठा चखने की, तो हमने शाही टुकड़ा और जलेबी के साथ फाइनली आज का डिनर मुकम्मल किया। मिलता हूँ कल एक और वीडियो में। अलविदा।